एकदम सोए पड़े हो, बहुत थके हुए हो, सुबह से काम किए हुए हो, बहुत थके हुए हो, और उसी दिन आपने नए सामान राशन सब घर में भरा और पूरा भर के थक गए, सो गए, एकदम नींद उठी तो देख रहे हो कि ऊपर छत में कोने में आग लग गई है और थोड़ी देर में दो मिनट में पूरा आग घर को जला देगा। पूरे सामान के साथ जेवर से लेके परिवार भी जल के नष्ट हो जाएगा। अब थक के आराम से सोते रहोगे? बोलो, सोते रहोगे? क्या करोगे? तो वो शक्ति कहां से आई? यानी शक्ति अंदर थी, अगर नहीं होती तो कहां से आती? वो मन आपको बोलती है कि तू थक गया, सो जा। शक्ति तो है तभी तो उठ के भागे, अगर नहीं होती तो आप जो चूर चूर हो गया है वो उठ कैसे सकता है किसी भी हालत में? आप में शक्ति थी तभी तो उठे, लेकिन आपको जलना दिखता है तभी वो शक्ति बाहर आती है। सोच लो कि मेरी दुनिया जल रही है, मुझे भक्ति में थकना नहीं चाहिए। अगर ये जलती दुनिया को बुझानी हो तो भक्ति में प्राण लगा दूंगा, ये भाव आना पड़ेगा। अगर ये नहीं आएगा तो जलेगी आपकी दुनिया, आपका संसार जलता रह जाएगा। जब जलते समय जो शक्ति आती है, वो जलने से पहले ही उस शक्ति को जो उपयोग में करता है उसका घर कभी जलता भी नहीं है, ध्यान रखना ये बात, उसका घर कभी नहीं जलता। कृष्णगिरी आया हूं, प्रमाद में पड़ा हूं, यहां सब आते हैं, एक स्कूल में सभी विद्यार्थी जाते हैं, सभी क्या समान अंक लाते हैं? नहीं लाते। कहां से आया बेटा तू? तो बालक रायपुर छत्तीसगढ़? हाँ छत्तीसगढ़। अब बेटा तू पढ़ता है? बिजनेस पढ़ा तो होगा। तेरे क्लास में जितने भी लोग हैं सब क्या समान मार्क लाते थे? तो टीचर एक ही था कि वो भी हर स्टूडेंट के अलग अलग थे? टीचर एक होते हुए भी स्टूडेंट अलग अलग अंक इसलिए लाते हैं, सिखाने वाला समान ही सिखाता है, व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण करता, व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से पाता है। यहां से जाके पछताना मत का अच्छी जगह गया था, लेकिन मेरी मूर्खता से जो पाना था उसको गुमा के आया हूं। घर जाओ तो ऐसी खुशी आनी चाहिए कि गया एक जगह, जो जिंदगी भर भटका वो भटकाव समाप्त हो गया, मजा आ गया मेरी जिंदगी में। बहुत भटक के यहाँ आए हो, तुम बहुत होशियार हो मैं जानता हूँ, इतने भी मासूम नहीं हो कि सीधे कृष्णगिरी आ गए। तुमने पूरी दुनिया छान मार के फिर इतनी दूर 2,500 किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन इस बार ये यात्रा सफल होनी हो तो अभी 7 दिन आपके पास बाकी है। कितने बेटा तू? 10 दिन है बेटा? 10 दिन है ना? तो ये पूरे 10 दिन में सबसे बढ़िया दिन कौन सा है महाराज? आप ये बताओ ना, उस दिन थोड़ा ज़्यादा भक्ति करें। तुम भी होशियार हो, तुम लोग कहते हो मुझे बड़ी हंसी आती है, आज दिवाली है, नया दिन, आज बच्चों को मत डांटिए। औरतें बोलती है, जरूर हर औरत ने एक बार तो बोला होगा, आज त्योहार का दिन, आज बच्चों को मत डांटिए। ऐसा बोला कि नहीं बहनों? बोलो, जिन जिनों ने एक बार तो भी बोला वो हाथ ऊंचा करो, सभी ऊंचा करेगी। अरे मूर्खिनो, ये अपने बच्चे हैं, इनको नए दिन में नहीं डांटोगे ना पुराने दिन में डांटोगे, ये क्या पुराना टायर थोड़ी है जो पंचर निकालोगे? हर दिन को दिवाली बना लोगे तो बच्चे भी हर दिन देव की तरह खेलते रहेंगे। दिवाली क्या अलग आता है, होली क्या अलग आती है, जिंदगी को हर दिन को दिवाली की तरह मनाओ, मजा कैसे आता है। देखो तुमको तो दिवाली के दिन में खुशी आती है, तुम यही औरत रसोई बनाती है। आप देखो आपकी औरतें यही तो रसोई बनाती है, कितने लोग शादीशुदा हैं? हाँ, यही औरत तो रसोई बनाती है, लेकिन देखना कोई त्योहार के दिन में अलग ही टेस्ट बनाएगी। आप देखना जब कोई रिश्ते वाले आए तो टेस्ट अलग ही होगा, क्योंकि हाथ वही है, भाव बदलता है इसका। आपका डालती है तब पुराना ही डालती है, तब तो नहीं तो टेस्ट क्यों नहीं आता? अपना ही तो पति है, खाओ भाई बैठ के, कल का बचा हुआ चावल था छोंक दिया, लो खाओ। हाँ, कल की रोटी थी खाकरा बना दिया, खाओ। और जमई आता है तो घी डाल के मजे से परोसती है कि जमई आया है। अरे इनको ही जमाई मान लो, सबको देखो रोज घर में मिठाई और मिष्ठान का मजा आएगा। ये मानने में होता है, वस्तु के हाथ में नहीं है ये बात। मानोगे तब मजा है जिंदगी का। हर दिन को दिवाली मनाओ, और खास करके जो कृष्णगिरी आए हो उनके लिए तो माँ को कहूंगा कि माँ इनके 365 दिन दिवाली रहे, ऐसे कर। जय जय गुरुदेव। 365 दिन दिवाली हो, एक दिन की काई की दिवाली होती है, एक दिन बच्चों को नहीं डांटो, बाकी 364 दिन डांटो। हाँ, तुम्हारे मर्जी के कठपुतले हैं क्या? ईश्वर ने तुमको दिया है, लेकिन तुम्हारे घर में कर्मों के अनुसार आए। एक बच्चा आपके घर में आता है, इंग्लिश में अच्छा शब्द है, इंग्लिश में
जो बच्चा जन्म लेता है ना उसको डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी हो गई क्या? आप पूछते हो ना डिलीवरी हुई कि नहीं। प्रोडक्शन नहीं बोलते। आप बनाते तो उसका शब्द प्रोडक्शन होता। किसी का भेजा हुआ आप द्वारा आता है तभी तो वो डिलीवरी होता है, वरना डिलीवरी कैसे हो गया हमारा? जो किसी का भेजा हुआ डिलीवर हुआ है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके घर में आया अपने कर्मों के अनुसार, जितना पैसा भोगना था, जितना सुख भोगना था, जिस घर में वो व्यवस्था है वो वहां जाता है आत्मा। वो वहां जाके वो व्यवस्था का आनंद लेता। आप कोई होते नहीं हो उसके बाप। बाप तो सबके ईश्वर ही है, वो आपके द्वारा आया है। बच्चों को डांटिए मत, फटकारिए मत, उनको इतना प्रेम कीजिए और ईश्वर तक पहुंचाइए। आपका काम है कि अपने संतानों को, वंशजों को भगवान के चरण तक पहुंचाना। अगर ये कर दिए तो आपके घर में बच्चा जन्म लिया सार्थक हो गया, निहाल हो गया वो बच्चा।